और दो चरण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार मेगा प्रचार कर रहे हैं। लगातार विपक्ष पर उनका करारा प्रहार जारी है और आपको बता दें इन डी गठबंधन में खासकर कांग्रेस की नीति नियत और नेतृत्व को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सवाल उठा रहे हैं और आज पंजाब और हरियाणा में प्रधानमंत्री मोदी मेगा प्रचार करेंगे और आज भी विपक्ष पर करारे प्रहार का सिलसिला रहेगा जारी। दो चरण बाकी, पिक्चर अभी बाकी। दिल्ली में जो लुटियन गैंग है उसने इन गौर सांप्रदायिक लोगों की रक्षा करने में अपनी जिंदगी खपा दी। वार पलटवार, सियासी जंग जोरदार। इन भ्रष्टाचारियों की संपत्ति का एक्सरे अब मोदी करेगा। मुद्दों पर घेरेबंदी, जनता किसकी सुनेगी। प्रजा ने मान लिया है जो सिस्टम बना वो दलितों पिछड़ों आदिवासियों का घोर विरोधी रहा है। जीत की ललकार, फिर मोदी सरकार। फिर एक बार। 4 जून को क्या होगा, पूरा देश टकटकी लगाए उस नतीजे का इंतजार कर रहा है। देश में 5 चरणों का मतदान पूरा हो चुका है और आज 6ठे चरण के रण के प्रचार का आखिरी दिन। कोशिश की जाती है और कोई भी चूक मैच का पासा पलट देती है, वैसे ही आखिरी 2 चरणों के लिए पक्ष और विपक्ष ने कमर कस ली है। जमकर सियासी वार पलटवार किए जा रहे हैं। आखिरी ओवर में राहुल के सिस्टम वाले एक बयान ने बीजेपी की बांछें खिला दी है। अब तक ओबीसी और पिछड़े के नाम पर सरकार को घेरने की कोशिशों में जुटे राहुल के इस फुलटॉस बयान पर पीएम मोदी ने छक्का लगा दिया है। कांग्रेस के शहजादे ने एक बड़ा सच स्वीकार कर लिया। शहजादे ने मान लिया है कि उनकी दादी, उनके पिताजी, उनकी माताजी के समय जो सिस्टम बना वो दलितों पिछड़ों आदिवासियों का घोर विरोधी रहा है। कांग्रेस के इसी सिस्टम ने एससी एसटी ओबीसी की कितनी ही पीढ़ियों को तबाह किया। राहुल के सिस्टम पर बयान ने कांग्रेस के सच को बेपर्दा कर दिया है। पीएम मोदी अब लोकसभा चुनाव के आखिरी 2 चरणों में मिशन 400 पार के संकल्प को पूरा करने में जुटे हैं। आज पीएम मोदी दोपहर 2 बजे पहले हरियाणा के भिवानी महेंद्रगढ़ में प्रचार करेंगे, उसके बाद शाम 4:30 बजे पंजाब के पटियाला में पीएम की मेगा रैली होगी। आखिरी 2 चरणों में देश में 114 सीटों पर मतदान हो रहे हैं और दिल्ली हरियाणा की सभी सीटों पर इसी चरण में मतदान होना है। पूर्वांचल में भी आखिरी 2 चरणों में ही मतदान है। जाहिर है ऐसे में पीएम का प्रहार राहुल के साथ साथ अखिलेश पर भी जोरदार है। ये दोनों सहजादे अब मिलकर अफवाह उड़ा रहे हैं। ये कहते हैं यूपी की 79 सीट जीत जाएंगे। मैं पहले सुना करता था कि लोग दिन में सपने देखते हैं, मुझे अब पता चला दिन में सपना देखने का मतलब क्या होता है। 4 जून को और तब ये ठिकरा ईवीएम पर फोड़ेंगे। द्वारका की रैली में पीएम मोदी ने भ्रष्टाचारियों की संपत्ति के एक्सरे की बात कही। इन भ्रष्टाचारियों की संपत्ति का एक्सरे अब मोदी करेगा। शराब घोटाले की कमाई हो या फिर नेशनल हेराल्ड घोटाला हो, भ्रष्टाचारियों से पाई पाई वसूली जाएगी।
उसे लौटाना ही पड़ेगा। पीएम मोदी के साथ बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता 400 पार के नारे को दोहरा रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि आखिरी दो चरणों में जनता 400 पार के नारे को हकीकत में बदल देगी। इंडी गठबंधन की तुष्टीकरण की राजनीति पर भी पीएम लगातार प्रहार कर रहे हैं। ये लोग 15% माइनोरिटी सेव करना चाहते हैं, ये लोग बैंकों से मिलने वाले लोन वो भी धर्म के आधार पर देना चाहते हैं, ये धर्म के आधार पर सरकारी टेंडर देना चाहते हैं, ये धर्म के आधार पर स्पॉट पैक खिलाड़ियों की एंट्री करवाना चाहते हैं, ये वोट बैंक पॉलिटिक्स की पराकाष्ठा है। अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए ये लोग सीएए का विरोध कर रहे हैं, अपने इसी वोट बैंक को खुश करने के लिए इन्होंने देश भर में घुसपैठियों को बसा दिया है। मुद्दों की भरमार है, वार पलटवार है और बस कुछ दिनों का इंतजार है। 4 जून को सबके दावों और वादों का हिसाब देश के सामने होगा।